मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषध है स्वयं पाक गर्म, वो भी बहुत अद्भुत है। उसका नाम है हड़द हल्दी, बहुत अद्भुत। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते। हड़द लेने के दो तरीके हैं। आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का सूप मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के सूप में लीजिए। यही हड़द रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता। और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसानी से। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। पांच गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाए। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत।